दिल्ली पुलिस ये बैरिकेडिंग हटा रही है और अब ये सफाई भी चल रही है और रात तक ये सामने वाले भी हटा दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने लिखा था दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर कि हमने रास्ते बंद नहीं किए, रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस ने तो रास्ते खोल दिए, अब ये राकेश टिकैत ये टेंट लगा रखे ये क्यों नहीं हटाता? किसान हम भी हैं, हम छोटे किसान हैं, ये बड़े किसान होंगे। हम तो किसानों से भी नहीं कहते बैठ कर अपने बात करो, बात से ही समाधान होगा। वैसे कोई समाधान नहीं हुआ, आज तक किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ 4000 फैक्ट्री हैं और ये रिलैक्सो की फैक्ट्री है सामने, वो बिल्डिंग दिखा दे रही है। यहाँ लाखों आदमी काम करते हैं, रोजगार मिला हुआ था, सबका छिन गया। आम किसान भी दुखी है और ये खुद भी दुखी हैं। अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है, ये नहीं है, किसानों का आंदोलन अब ये नहीं रहा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां पर पिछले 11 महीनों से दिल्लीवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हालांकि उनके लिए राहत की खबर सामने आ चुकी है। जी हां, जहां पर आप सभी जानते हैं कि 11 महीनों से लगातार दिल्ली में किसान प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि अभी दिल्ली में जितनी भी सरहदें थी, 3 सीमाएँ थी, उनको लगातार खोलने की बात की जा रही है। हालांकि आपको पता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी तरीके से हो चुकी हैं, वहाँ पर जो रास्ते हैं उनको खोला भी जा चुका है। अभी इस मैं मौजूद हूं टिकरी बॉर्डर पर, यहां पर भी ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार यानी कि आज के दिन शाम से ही बैरिकेटिंग या बैरियर जो भी लगाए गए थे उनको हटाया जाएगा। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं लिमिटेड टाइम में एक ऑफर चल रहा है जो कि जुड़ा हुआ है डीमैट अकाउंट से, जिसमें ना सिर्फ आप बल्कि आपके जो भी साथी हैं वो भी घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में पैसे कमा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। आसपास के निवासी? जी, जड़ौदा कला गांव है मेरा और ये टिकरी बॉर्डर पर आज हम ये देखने के लिए आए थे भी रास्ते खुले या नहीं। अब दिल्ली पुलिस ये बैरिकेडिंग हटा रही है और अब ये सफाई भी चल रही है और रात तक ये सामने वाले भी हटा दिए जाएंगे। ये हमें पूरी आस है दिल्ली पुलिस ये हटा देंगे, सब खोल देंगे। लेकिन राकेश टिकैत ने लिखा था दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर कि हमने रास्ते बंद नहीं किए, रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस ने तो रास्ते खोल दिए, अब ये राकेश टिकैत ये टेंट लगा रखे ये क्यों नहीं हटाता? राकेश टिकैत ये टेंट हटाएगा तब तो ये दिल्ली से रोहतक की तरफ जाएंगे। अब दिल्ली पुलिस ने तो अपने काम पूरा कर दिया, अब राकेश टिकैत की भी जिम्मेवारी है ये यहाँ से हटाए। अब आम आदमी कितना परेशान है आप देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ 4000 फैक्ट्री हैं और ये रिलैक्सो की फैक्ट्री है सामने, वो बिल्डिंग दिखा दे रही है। यहाँ लाखों आदमी काम करते हैं, रोजगार मिला हुआ था, सबका छिन गया। अब जो आदमी अभी कुछ फैक्ट्री चालू हैं वहाँ से यहाँ तक पैदल आता था, लेकिन रास्ता बंद होने से अब वो वहाँ से स्टेशन से मेट्रो में बैठता हरियाणा से और टिकरी मेट्रो स्टेशन पर उतरता है किराया देकर। एक आदमी की तनख्वाह दिहाड़ी जितनी 300-400 रुपये, उसमें हर रोज़ उसका आने जाने का किराया और लग रहा है, वो पैदल नहीं आ सकता। अब कितनी परेशान जनता है जिसको अपने व्हीकल में जाना है यहाँ से टिकरी से झाड़ौदा कलां गाँव और बहादुरगढ़ हो गए, और ये MI इंडस्ट्रियल एरिया है बहादुरगढ़ का, यहाँ तक 10 किलोमीटर घूम गए। इनको तो इनका आम आदमी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर ये किसान हैं तो आपने हमारी एक पिक्चर बनाई थी, हमारे खेत डूब गए थे, आपने पिक्चर बनाई पूरी दिल्ली को पूरे देश को दिखाई। अगर ये किसान है राकेश टिकैत तो हमारी बाढ़ के दर्शन क्यों नहीं करने आया, हमारी मदद क्यों नहीं करने आया, हम भी तो किसान हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये बॉर्डर अब खाली कराए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि किसान और प्रशासन के बीच का आपसी सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है, कहाँ तक लगता है आपको कि ये सही है? देखो, आज हमारे को उम्मीद जगी है, हम दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और आज हमारी जैसी खोलने की तैयारी हो चुकी है। अब तो काफ़ी दिन हो चुके, अब तो किसानों ने भी मान लेना चाहिए भाई, अब तो यहाँ के छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनका मतलब बहुत नुकसान हो चुका है, सबके धंधे व्यापार से ले गए, पेट्रोल पंप हैं इन्हें देखो 11-11, 12-12 महीने बंद हो गए, लोगों के व्यापार चले गए, धंधे चले गए मैडम, सारी चीज़ चले गए। और हम तो आपका दिल से दिल्ली झलको का हम तो दिल से धन्यवाद मानते हैं, आपने हमारी एक आवाज़ उठाई थी दिल्ली सरकार के लिए और कैलाश गहलोत मंत्री हमारे MLA साहब है, हम तो आपकी आवाज़ उठाई तो उसने भी हमारी आवाज़ सुनी। आप ऐसे आवाज़ उठाते रहो आम पब्लिक समाज की, किसान हम भी हैं, हम छोटे किसान हैं, ये बड़े किसान होंगे। हम तो किसानों से भी नहीं कहते बैठ कर अपने बात करो, सरकार से बैठ कर बात करो, बात से ही समाधान होगा। वैसे कोई समाधान नहीं हुआ, आज तक किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ, बैठेंगे तो समाधान भी होगा। कानून पे भी जो गलत कानून है, किसी चीज़ से भी कोई गलत बता रहे हैं तो उनमें भी सुधार होगा। अपर लेकिन ये तो एक अनाड़ी पड़ने वाली बात है, अभी तीनों कानून रद्द करो, ऐसे तो तीनों कानून रद्द तो आज तक तो देखे नहीं हमने और आगे भी हम नहीं
नहीं देख सकते। कल यहाँ बहादुरगढ़ में एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया है, जैसे ये लेडीज थी किसानों की, वो तीन लेडीज के ऊपर चढ़ गया, तीन मुर्गी मौके पर ही, और ये अब कब तक मरवाएंगे? ये बातचीत करके समाधान करके इनको इनके घर क्यों नहीं भेजते? इनके भी घर है, परिवार है, सब कुछ है। आज एक साल हो जाएगा अभी 26 तारीख को इनको यहाँ बैठे बैठे, और यहाँ एक जला दिया था कसार गांव में मुकेश पंडित जी, उसको जिंदा में आग लगा दी थी, और यहाँ इसी बॉर्डर पर एक कलकत्ता की लड़की आई थी इनके समर्थन के लिए, उसको भी बलात्कार करके मार दिया था। अब ये कब तक उपद्रव होते रहे, कब तक ये किसान मरते रहेंगे? आम किसान भी दुखी है और ये खुद भी दुखी हैं। अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है, ये नहीं है किसानों का आंदोलन, अब ये नहीं रहा। सिर्फ मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और किसी का भी विरोध नहीं कर रही है। हम इसको राजनीति कहें या कुछ भी कहें, कुछ भी हम अपना हक मांगते हैं। गरीब आदमी छोटे छोटे अपना धंधा कर रहे हैं तो हम अपना हक मानते हैं, तो क्या कहते हैं बीजेपी के आदमी है, ये फलानी पार्टी के आदमी। हम पार्टी के किसी के नहीं, हम छोटे किसान हैं। अब 11 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान होगी, पानी सर से ऊपर जा चुका है मैडम। अब तो ये सोच लो, जो कति जो 100, 200, 500 की जो दुकानदारी करते थे, वे बिल्कुल लाखों आदमी इस बॉर्डर से का तीनों सोच ले बर्बाद हो गए बेचारे। कोई प्रदेश का था, कोई कहीं का था, कोई यहीं था, किसी का किराए का काम था, किसी का कुछ था, मैडम किसी का भी 11 महीने से काम नहीं चल रहा। अब ये देखो यार, 10 पेट्रोल पंप है, सब बंद है। क्या इस पे कितने आदमी काम करते थे, अब सब बेरोजगार हो चुके, कुछ यहाँ कोई काम है नहीं, इनका तेल बिकता नहीं, वर्कर का भी क्या करें, जो बैठे ये ठाली बैठे हैं। इधर किराए का काम था, ये बिल्डिंग मालिक भी दुखी है, इनके किराएदार भाग गए। अब 10-11 महीने तक मजदूर भी कैसे बैठेगा इधर, वो भी यहाँ इंतजार करके किसान उठ जाएं, आखिर में अपने रेल में बैठ गए बिहार चले गए। और ये कह रहे हैं अभी कृषि कानून में ये तीन काले कानून वापस लो, ये तीन कानून काले, इनकी 11 मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ, आज तक ये कोई इसमें काला दिखाई नहीं सके, तो इसमें काला है क्या फिर? ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात होगी, इसको रद्द करो, अब इस स्कीम पर आ गए, इसको रद्द करो, और कोई काम ही नहीं है इनको। अब बात करें इस फैसले की, तो बताया जा रहा है कि ये फैसला दिल्ली पुलिस और किसान की आपसी सहमति के बाद लिया गया है, जहां पर लगातार अब रास्तों को खोलने की बात की जा रही है। अभी यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, उसमें भी थोड़ी बहुत ढील बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी संख्या CRPF की थी या फिर पुलिस प्रशासन की हम कहें, वो यहाँ पर अब नहीं देखने को मिल रही है। और इसके साथ में ही आप देखिए कि अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वो किसान मंच से एकदम ही नज़दीक की बैरिकेटिंग है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे कि जितने भी ये ब्लॉक्स लगाए गए हैं, जो पत्थर लगाए गए हैं, जिन पे पेड़ पौधे भी हालांकि उग आए हैं, ये किसानों की तरफ से लगाया गया था कि जो इस पर बैठे जितने भी CRPF या फिर पुलिस प्रशासन है, उनको किसान मोर्चे की तरफ से किसी भी तरीके की कोई क्षति ना पहुँच पाए। लेकिन अभी आपको मैं बताऊँ कि ये आप देख सकते हैं ज़मीन जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो आप देख सकते हैं कि मलबा कितनी कैसे फैला हुआ है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन आप पास ही में आप देखें कि जो उस तरफ बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं कि तीन लेयर की गई है, वो वैसी की वैसी ही है। उस तरफ की जो सड़क है वो अभी भी वैसी की वैसी ही पड़ी है, जहाँ पर आप देखें कि कंक्रीट की जो भी मीनारें हैं वो बनाई गई हैं, वो लगाई गई हैं, और जो कीले गाड़ी गई थी वो भी अभी वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन अभी इस तरफ का माहौल आपने देखा कितना शांत पड़ा हुआ है, यहाँ से सारी चीज़ साफ़ हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर को भी अब जो उसकी सीमा है उसको भी खोलने की लगातार बात की जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाली शाम तक या फिर कल तक ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी हटा दी जाए। और साथ में प्रशासन के बारे में आपको कह रही हूँ कि जहाँ पर सुरक्षा बलों को लगातार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा जा रहा था, जहाँ पर DTC बसों की अगर मैं बात करूँ तो दूर तक आपको देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी भरी रहती थी, उसके आसपास में CRPF की टीम कहें या फिर दिल्ली प्रशासन की टीम कहें, लगातार बहुत बड़ी संख्या में थी। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम संख्या में है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके का माहौल गर्मा गर्म यहाँ पर लगातार देखने को मिलता था, चाहे आप किस टाइम पर भी किसी भी टाइम यहाँ पर आए, लेकिन अब वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, काफ़ी शांत माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर बताइए, आपका क्या मत है, क्या आपको कितना कुछ ये फैसला सही लगता है या फिर गलत लगता है, वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ झलको दिल्ली।